हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को कुछ लास्ट मोमेंट के टिप्स देने वाला हूं, जो कि HNBU का जो भी एग्जाम दे रहा है ANM या फिर JNM कोर्स का 2022 सेशन के लिए, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो मैं ANM और JNM दोनों ही कोर्सेज को इस वीडियो में कवर करूंगा। BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए मैंने इम्पोर्टेंट टिप्स बता दें कि लास्ट टाइम में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो अगर आप उसका भी सपोज साथ में एग्जाम दे रहे हो तो वो वीडियोज आप देख सकते हो, चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप वहां से ले पाएंगे। ठीक है, तो पहला देखो, मतलब आपका जो है 9 जुलाई को एग्जाम है, तो आज 7 ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, तो कल का सिर्फ एक बीच में एक दिन है। ठीक है, तो आप जो है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें बताने वाला हूँ वो प्लीज जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, तो आपको जो है काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और वो जो है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ANM और JNM का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि JNM में जो है इंग्लिश का पार्ट आता है और ANM में जो है इंग्लिश का पार्ट नहीं आता। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जो सिलेबस ANM वाला कैंडिडेट से पूछा जाता है वही JNM वाले कैंडिडेट से भी पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं होते लेकिन क्वेश्चंस के जो मतलब फील्ड है वो सेम होता है, जो लेवल है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो पहला हमारा सामान्य हिंदी है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये दे रहा हूं, आपने पढ़ी रखा होगा अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको लगता है, फिर भी मैं आपको एक चीज ही बोलना चाहूंगा कि हिंदी में जो है समास से क्वेश्चन जरूर आएगा और आपका तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपने समास नहीं पढ़ रखे हैं तो समास की YouTube पर कोई भी एक 10-15 मिनट की वीडियो देख लो, उसमें से जो इम्पोर्टेंट समास होते हैं जैसे कम धारे समास हो गया, ठीक है, द्विगु समास हो गया, तो ये सारे जो समास हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लो। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 15-20 मिनट के अंदर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला टॉपिक जो है समास वाला टॉपिक वो जरूर पढ़ लेना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, 15-20 मिनट का टाइम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, अभी रात में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर कल एक बार रिवीजन कर लो। दूसरी चीज ये बोलूंगा कि हिंदी में तत्सम और तद्भव पूछा जाएगा आपसे, तो आपको क्या करना है, YouTube में सर्च करना है तत्सम तद्भव ट्रिक। इतना जब आप सर्च करोगे तो आपको जो पहली वाली वीडियो मिलेगी उस पर लगभग 1.2 करोड़ व्यूज आए हुए हैं। ठीक है, वो काफी अच्छी वीडियो है, एक शॉर्ट वीडियो है, शायद 6 या 7 मिनट की वीडियो है, तो उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं जिससे आपने अगर तत्सम और तद्भव का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो उसके बिना भी जो है आप तत्सम और तद्भव बता सकते हो। समझ आ गई बात, और उन्हीं की एक और वीडियो है, वो शायद आपको उस चैनल पर जाकर पता लग जाएगी, तो वो वीडियो भी अगर देख पाओ, अगर टाइम हो तो वो वाली भी देख लेना। ठीक है, Study91 करके एक चैनल है तो उसकी वीडियो है। ठीक है, आपको YouTube में सर्च करना है तत्सम तद्भव ट्रिक। ठीक है, तो जो पहली वाली वीडियो आएगी वो जरूर देख लेना और उससे रिलेटेड उनकी एक और वीडियो है। ठीक है, तो वो भी देख लेना अगर आपको थोड़ी डेप्थ में नॉलेज चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात, तो हिंदी के लिए ये दो चीजें जरूर कर लेना, समास और तत्सम और तद्भव का टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। अब बात करते हैं प्रारंभिक गणित की। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। तो देखो यहां पर जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक नोट कर लो जो मैं बोलता जा रहा हूं, इनकी यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, मतलब 4-5-6-7 जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि मतलब कोई सामान है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो इतने परसेंट हर साल गिरती है तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, या एक कोई सामान है उस पर 10% का हमें प्रॉफिट हुआ तो उसकी टोटल जो प्राइस है वो कितना होगा। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस करने, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हो गया। दूसरा आपका है परसेंटेज वाला टॉपिक, तो परसेंटेज का टॉपिक आप पढ़ लेना, यूट्यूब पे जो सबसे छोटी वीडियो मिले जिसकी रैंकिंग अच्छी हो 10-15 मिनट की हो वो जरूर एक बार देख लेना। तीसरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे इसमें नहीं पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हिंदी वालों जो भी कैंडिडेट्स है वो देख लेना, आपने भी पढ़ रखा हो, इजी होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई भी वीडियो देख लेना,
जो 7-8 मिनट की 10 मिनट की हो, फॉर्मूला देख लेना, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, निकालते कैसे उसमें से, जो भी अननोन चीज होती है वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया, और बाकी जो आपके फॉर्मूले होते हैं किसके, ये जो आपके मतलब ये जो वॉल्यूम वगैरह निकालना होता है, सरफेस एरिया निकालना होता है, मेंसुरेशन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस इतनी दी गई है, उसका सरफेस एरिया निकालो, उसका वॉल्यूम निकालो, तो ये जो मेंसुरेशन का जो पूरा टॉपिक है मेंसुरेशन का, वो जरूर एक बार देख लेना। सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का सर्कमफेरेंस कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ठीक है, कोन का जो है वॉल्यूम कितना होता है, कोन का सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, ठीक है, स्फीयर का कितना होता है, तो ये जो मेंसुरेशन का टॉपिक है ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, इस पर आपको क्वेश्चंस वहां पर जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा एक खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी जाएगी, और बाद में पूछा जाएगा कि उसका क्षेत्रफल बताओ, तो सिंपली आपको क्या करना है, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मेंसुरेशन वाला टॉपिक देख लेना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करके ही जाने हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, मतलब वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया वाला पार्ट है, और आपका परसेंटेज वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको मैथ्स में करने, और एक टॉपिक और करना चाहते हो एवरेज वाला जरूर कर लेना, ठीक है, एवरेज पर क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज मतलब औसत बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, तो उस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना या वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। तो जितना भी टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज करो, एक ही दिन रह गया, पूरी मेहनत कर लो अपनी, ठीक है, सुबह से शाम तक, कल सुबह से लेकर दोपहर तक भी करो तो काफी है, रात में थोड़ा भी लेट पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, एक ही दिन की बात है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो औसत वाला जो टॉपिक है एवरेज वाला, वो जरूर एक बार कर लेना कि इतने मतलब नंबर्स हैं, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसमें से एक नंबर को हटा के दूसरा नंबर हमने डाल दिया तब एवरेज में कितना चेंज आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, और एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार जरूर कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, या फिर आपके जीएस पोर्शन के हो, सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना एएनएम और जीएनएम के, ठीक है। एएनएम का जो पेपर है वो मेरे चैनल पर भी पड़ा हुआ है, और जीएनएम का पेपर जो है वो मैंने अपलोड नहीं करा था लास्ट ईयर, तो वो आपको दूसरे चैनल से मिल जाएगा, एक सरकारी जॉब्स करके है, तो वहां पर आपको वो पेपर मिल जाएगा, सॉल्व पेपर है, तो वहां से आप सॉल्यूशन वो मत देखना, बस ये देख लो क्वेश्चंस कैसे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार जरूर देख लो। सॉल्व आपको सिर्फ मैथ्स में ही करना है, तो मैथ्स वाला पार्ट जो है उसके जितने भी क्वेश्चन वहां पर दे रखे हैं अपने आप से सॉल्व करो, भले ही उसको गूगल पे सर्च करो और उसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई करो फिर, ठीक है। तो वो पेपर जरूर देख लेना, पेपर कैसे ढूंढना है, यूट्यूब पे सिर्फ ये डालना कि HNBU ANM 2021 पेपर, ठीक है, इतना डालोगे आपको पेपर की वीडियो मिल जाएगी, वो मेरे चैनल की मिल जाएगी आपको, पूरा सॉल्व है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है बल्कि आंसर्स दिखा रखे हैं उसमें, ठीक है। उसी तरीके से जीएनएम का चाहिए होगा तो HNBU GNM 2021 पेपर, इस तरीके से डालोगे तो पूरा सॉल्व पेपर आ जाएगा आपको, किसी दूसरे चैनल ने अपलोड करा, ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, समझ आ गया बात। पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसमें वो खुद से सॉल्व करना, बाकी चीज तो सॉल्व करनी नहीं है, बाकी तो आंसर सुनने क्या क्या है, तो वो आंसर जरूर सुन लेना, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, ठीक है, यानी कि जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस अपने टाइम में कर सकते हो कर लो, ठीक है। YouTube पर काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं, YouTube पर अगर आप ऐसे डालोगे जनरल साइंस MCQ प्रैक्टिस, तो आपको काफी सारे चैनल्स आ जाएंगे। एक मैं आपको चैनल रिकमेंड करूंगा वाईफाई स्टडी करके है, ठीक है। तो वाईफाई स्टडी के चैनल पर जो है 500 क्वेश्चंस की एक मतलब दो पार्ट्स बना रखे हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। अगर आप वो करना चाहो तो कर लेना मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपने लूसेंट वगैरह से जनरल साइंस जैसे पहले कर लिए, मैंने पहले भी बताया था, तो काफी अच्छा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है जनरल साइंस में, तो आप चाहे गूगल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी कर लो जनरल साइंस के, ठीक है। जैसे फिजिक्स के सिंपल क्वेश्चंस हो गए, केमिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चंस हो गए, और आपके बायोलॉजी के सिंपल क्वेश्चन हो गए, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो गए कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी मसल्स होती हैं, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है जनरल क्वेश्चंस, ये जरूर करके जाना, ठीक है। फिजिक्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है, ठीक है। तो लाइट ईयर, ईयर से सुनने में ऐसा लगता है ये साल है यानी कि टाइम की यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर जो किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, दूरी की यूनिट है ये,
तो इस तरीके के क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और लूसेंट की बुक है अगर आपके पास तो लूसेंट से जरूर एक बार देख लेना उसको, ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की या फिर जीएस वाला पोर्शन जो है आपका, ठीक है। तो जीएस वाले पोर्शन के लिए मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा, एक तो उत्तराखंड का जो मंत्रिमंडल है उसको एक बार जरूर पढ़ के जाना कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, और बाकी जितने रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स आपको लगते हैं वो एक बार जरूर देखकर जाना उत्तराखंड का जो मंत्रिमंडल है, ठीक है। जीएस पोर्शन के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, तो उत्तराखंड के जो भी ये हैं, सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर और जो बाकी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर्स हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो एक बार जरूर देख लेना। सीएम और गवर्नर तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये भी देख लेना कि पिछले वाला गवर्नर कौन था और उनके बाद जो अभी प्रेजेंट आए हैं वो कौन है, ठीक है, तो ये एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद जीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जरूर कर लेना, वो तो मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपको करने करना है, और उत्तराखंड की जो भी मतलब चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में आप जरूर पढ़कर जाओ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है, कि कितने नेशनल पार्क हैं, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है रामनगर में, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन से ईयर में बनवाया गया था, किसने बनवाया था, ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नंदा देवी जो है नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है आपका, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी आप क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। और उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, ये सारी चीजें उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेना। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितना आप पढ़ सकते हो उत्तराखंड के बारे में वो जरूर पढ़ के जाना, जो आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, जो जीके के क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके के उत्तराखंड के, वो जरूर पढ़ के जाना, वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जीएस वाला पोर्शन हो गया। जीएस के लिए आपको नेशनल लेवल का नहीं पढ़ना है, सिर्फ उत्तराखंड लेवल का पढ़ना है। उत्तराखंड के बारे में जितना पढ़ सकते हो आज से लेकर कल तक आप उतना पढ़ लो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। और इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, जो भी जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं इंग्लिश इजी आएगी, इंग्लिश में ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है कि मैं आपको जो है जो 10 क्वेश्चंस के लिए जो है मैं आपसे बोलूं कि ये कर लो वो कर लो, इतना आपके पास अभी टाइम नहीं है। तो इंग्लिश आपकी मतलब जितना आपका बेसिक स्ट्रांग है उसी हिसाब से वहां परफॉर्म करवाओगे। इंग्लिश वैसे कोई इतनी टफ नहीं आती है, अगर आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट भी हो तो 10 में से आराम से जो है 5 से 6 क्वेश्चंस आप कर लोगे अपने लॉजिक के बेसिस पर, ठीक है। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो आराम से 8 क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश काफी इजी आती है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट जो है स्ट्रेटेजी है आखिरी दिन के लिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो पढ़ाई करके आपका जितना स्कोर बन रहा था उससे करीब आपके 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं और ऊपर आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आज रात से ही लग जाओ, देर से सो, कल सुबह जल्दी उठो, कल का पूरा दिन यूटिलाइज करो जितना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद परसों भी जो है पेपर आपका शायद दोपहर के बाद से है, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, एडमिट कार्ड का मुझे नहीं पता, यहां पर जो दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। तो यहां पर तो ये लिखा हुआ है एएनएम का जो पेपर है वो 2 से 4 है और जीएनएम का जो है 10 से 12। अपने एडमिट कार्ड में देख लेना, ये यहां पर कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं देख रहा हूं। जो भी है मतलब आपका कल का आपके पास दिन है पूरा, ठीक है, तो आप जो है एडमिट कार्ड वगैरह सब अपना प्रिंट करवा लेना, और बाकी ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई इसको जरूर फॉलो कर लो, जितना फॉलो कर सकते हो उतना जरूर कर लो। हिंदी के लिए जो चीजें मैंने बताई कर लो, क्वेश्चन पक्का आएंगे वहां से। मैथ्स के लिए जो टॉपिक्स बताए वो कर लो, वहां से क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको। और उत्तराखंड की जीके जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है, जी जनरल साइंस के जितने क्वेश्चन हैं वो आप कर लो, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मेरा कॉन्क्लूजन था इन दोनों एग्जाम्स के ऊपर, ठीक है। आई होप आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहां पर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज उसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।